डेल्टा 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 भाई क्या है ये डेल्टा, क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसने तबाही मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर जोशी इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। भाई साहब, साल में एक आध बार एंड्रॉइड का अपडेट आ जाता है, लेकिन कोरोना ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई जो साल में दो बार, तीन बार, सात बार अपडेट पे अपडेट ला रहा है, और अब की बार ये नया अपडेट लेके आ रहा है जिसको कहते हैं डेल्टा प्लस। हाँ, डेल्टा प्लस भाई, ये तो अभी आईफोन के सीरीज में जा रहा है, डेल्टा प्लस है, फिर डेल्टा प्रो आ जाएगा, फिर डेल्टा प्रो मैक्स आ जाएगा, डेल्टा लाइट आ जाएगा, डेल्टा एसी भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो बात ऐसी है कि साइंटिस्ट के हिसाब से वायरस अपने आप सब सीख रहा है और म्यूटेट हो रहा है, उसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो वैक्सीन को सब समझ रहा है और उस हिसाब से अपने को अपडेट करके बड़े ही अच्छी तरीके से राजा बाबू बन रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि वायरस की अकल तो बड़ी है कम, ह्यूमंस की अकल है बढ़िया, सबसे बड़ा ब्रेन, सबसे कुशल ब्रेन मानव जाति का कहा जाता है, और वो लोग इसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन वायरस ये लोगों के अगेंस्ट चालाकी कर रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाने वाली बात है, नहीं लग रहा आपको? तो बात यह है कि लोग जो यूनाइटेड किंगडम को गाली दे रहे हैं उनकी वजह से ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया, तो बात ऐसी नहीं है। ये इंडियन वेरिएंट ही है जिसे कहते हैं डेल्टा, दैट इज B1.617। ओके, ये इंडियन अपनी घर की खेती वाला ही वायरस है। लेकिन क्या हो गया, गैंग्स ऑफ वसीपुर तो देखे हैं, बाप का बेटे का सबका बदला फैजल लेगा, उस हिसाब से ये फैजल आ गया है अभी लाइफ में। जैसे फैजल के काका मामा चाचा थे जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थे, वैसे ये डेल्टा प्लस वेरिएंट फैजल अभी सबका बदला लेने आ गया है। ये जो म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में, उसकी वजह से अल्फा वेरिएंट जो सबसे फास्ट ट्रांसमिशन वाला जो वेरिएंट था, मतलब सबसे फास्ट ट्रांसमिसिबल वायरस, उससे भी 60% फास्ट ये डेल्टा वेरिएंट है। भाई डरने वाली बात तो है, पूरा यूके की तबाही में डूब रहा है, और ये अभी अमेरिका भी पहुंच चुका है, यूरोपियन कंट्रीज में भी पहुंच चुका है। भारत में अभी इसके फिलहाल 40 केसेस है, उसमें से 20 केसेस महाराष्ट्र में है। क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सिम्टम्स तो बड़े ही सिंपल है, जैसे कि जॉइंट पेन, टायर्डनेस मतलब थके हुए है, और फीवर है, ये तो कॉमन सिम्टम्स है। सीवियर सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है, लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, कोई केसेस में स्किन रैशेस भी आ रहे हैं। वैसे सिम्टम्स तो बड़े ही कॉमन है, लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ही तगड़ा है, 60% फास्टर देन अल्फा वेरियंट। तो अभी किया क्या जाए? सेम है भाई, SMS कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, हाथ धोते रहिए, जरूरत नहीं है तो घर के बाहर ना पड़िए। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट का ही एक म्यूटेशन है, उसका जो स्पाइक प्रोटीन है जो चेंज हो चुका है AY1 कैटेगरी। अभी कहा जाता है कि वैक्सीनेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, क्योंकि उससे प्रिवेंशन बढ़ जाएगा, लेकिन अभी वैक्सीनेशन का हाल ही में टेस्टिंग किया गया, तो जो फाइजर वैक्सीन है दैट इज ओनली 80% इफेक्टिव अगेंस्ट दिस डेल्टा वेरिएंट, और अपनी जो कोविड के एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है जिसे कोविशील्ड कहा जाता है, दैट इज ओनली 60%, और भाई कोवैक्सीन की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये सब सेकंड डोज लेने वालों में से है, और वही फर्स्ट डोज अगर लिया होगा तो हार्डली 50% का ड्रॉप है। तो वैक्सीन इफेक्टिव है, बहुत जरूरी है, आप सब लोग को करना चाहिए, कुछ नहीं तो भी थोड़े परसेंटेज में आपको ये इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है। तुरंत कोविन पे जाइए और रात भर रुकते रहिए। फिलहाल ये डेल्टा वेरिएंट यूरोपियन कंट्रीज में तबाही मचा रहा है, और अफ्रीकन कंट्रीज में तो ये आग लगा देगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया है। भारत के बारे में कहेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंड वेव तो खत्म ही नहीं होने वाली है, थर्ड वेव के लिए आपको रुकना पड़ेगा। एक सिंपल बात बताता हूँ, देखो कंप्यूटर सिस्टम में भी वायरस आता है, पता है, कभी देखा तो रहेगा आपने। ये वायरस कहां से आता है? दैट इज अ मैन मेड वायरस, समझ रहे हैं आप? तो ये वायरस अपडेट होते जाता है, उसके ऊपर एंटीवायरस कंपनीज बनाती जाती है। आप समझ रहे होंगे ये वायरस कैसे अपडेट होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वैसे ही मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, समझदार को इशारा काफी है, ये वायरस अपडेट होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे वैक्सीन अभी भी वही के वही है। एक दिन आएगा जब एक वैक्सीन बन जाएगा और ये सब वायरस खत्म हो जाएंगे, शायद ये टॉम एंड जेरी का सिलसिला चलते रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।